अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है गाइस, पहले हमने इनलाइन पढ़ी, अब हम इंटरनल पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस, इंटरनल में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्टाइल शीट। द इंटरनल स्टाइल शीट इज़ यूज टू एड अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि ना, द इंटरनल शीट इज़ यूज, अगर आपने इंटरनल शीट यूज़ करनी है तो ऐड अ यूनिक स्टाइल, एक यूनिक स्टाइल है फॉर अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए। अगर तो आपने इंटरनल यूज़ करना है तो वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए आप यूज़ करोगे। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड इन हेड, ये हेड के अंदर डिफाइन की जाती है सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल। हेड सेक्शन जो होता है एचटीएमएल का, ठीक है, पेज इनसाइड द स्टाइल और स्टाइल कोड के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट उसका कोड दिया हुआ हमने, अभी इसमें डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल हेड, हेड के अंदर जो सा स्टाइल लिखा है, स्टाइल के अंदर ही हम सारे के सारे यूज़ करेंगे। ठीक है, एचटीएमएल यहाँ बॉडी है, और अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करनी है। तो गाइज, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक एच वन लिखा हुआ है, यहाँ मैं एच टू लिख देता हूँ, एच टू लिख देता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ ये देख लो, ये मैंने बॉडी में, अब मैंने यहाँ यूज़ करना है ये हेड में। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टाइल ये लिखा मैंने स्टाइल, और ये स्टाइल मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसके अंदर हम जो भी यूज़ करेंगे वो यूज़ होगा, जैसे कि अगर मैं बॉडी लिखता हूँ, अब अगर मैं कोड देखूँ अपना, तो यहाँ इन्होंने बॉडी लिखी हुई है, बैकग्राउंड कलर लीनिन, हम बॉडी ब्रेसिस बैकग्राउंड कलर, ये आ गया बैकग्राउंड कलर, इक्वल किया हमने पिंक के। तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ये तो गाइस, ये देखो पिंक कलर हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी बॉडी, ये हमारा स्टाइल बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हम एच वन लिखते हैं, एच वन का फॉन्ट, फॉन्ट फैमिलीज की एरियल करते हैं। अब ये एरियल हो गई, ठीक है, चेंज हुई थी थोड़ी सी। अब एच वन भी हो गया, अब गाइस हम करते हैं एच टू को, एच टू को हम करते हैं फॉन्ट, फॉन्ट नहीं, टेक्स्ट, टेक्स्ट शेडो, वैसे तो ये होगा नहीं आपसे, तो हम फिर भी देख लेते हैं। वो टेक्स्ट शेडो आ गया, अब हम इसको करते हैं 5 PS, 5 और 5, ये 5 हो गया, 10 PS, ब्लर ज़्यादा हो गया थोड़ा, हम इसको करते हैं 5, ठीक हो गया गाइस, और थोड़ा कम, 3, ओके गाइस, तो ये आ गया। ये आपको नज़र आ गया होगा, ठीक है गाइस, तो ये भी बिल्कुल सही काम कर गया। अब जो सी मेन चीज़ है ना गाइस, वो ये है कि यहाँ मैंने लिखा पी, और अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप देखो ये साइज़ पैराग्राफ का साइज़ इतना होता है, ठीक है, मैं यहाँ फॉन्ट साइज़ करता हूँ, फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम यहाँ लिखते हैं 30,
तो गाइस ये देख रहे हो आप, मैंने सिर्फ एक बार पी लिखा है और तीनों के तीनों पी पैराग्राफ काम कर रहे हैं एक पी के साथ ही। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है इंटरनल का। ठीक है, अगर आपके पेजेस जिसमें जितने भी पी होते ना तो उन सब पी ये लग गए। अगर आप चाहते हो सपोज के, अगर आप चाहते हो नहीं यार इस पी पे नहीं, तो हम क्या करते हैं स्टाइल लिख के यहाँ इसका कलर, हम कलर ही चेंज कर देते हैं, रेड। बाय बाय का कलर अगर देखते हैं रेड होता है तो गाइस ये देखो रेड हो गया। ठीक है गाइस, बस इतना सा काम है इंटरनल का। ये इंटरनल वर्क कर रही है आपकी। आपने पहला लेक्चर इनलाइन का पढ़ा था वो भी काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं लिया तो आप लेक्चर पहला ले सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरनल और इनलाइन में फ़र्क क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल पढ़ेंगे। ओके तो गाइस, तब तक अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो।